हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर। सो गाइस, आज के ये जो वीडियो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये जो मेरे पास हायर का एक टीवी आया है, एलईडी टीवी 19 इंच का, तो इसका जो सर्विस मेनू कोड है वो कैसे आप निकाल सकते हो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको रिमोट का जो दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देख सकते हो वो रिमोट, और आप देख सकते हो कि इस रिमोट का जो ज़्यादातर जो बटन है वो मिट चुका है, जिसके वजह से जो लोग नया नया टेक्नीशियन है उन लोगों को लिए दिक्कत होगा कि कौन सा मेनू बटन है, कौन सा नंबरिंग का बटन है। देख सकते हो यहाँ पे मिट चुका है, और ये जो स्विच है ये डिस्प्ले के लिए है। और मैं ये भी बताऊंगा कि इसका जो मेन प्रॉब्लम मेरे पास आया था तो क्या हो रहा था, ये जो टीवी है वो चलते चलते एक डेढ़ घंटा या दो घंटे के बाद बाद जो साउंड आता है वो अचानक से कम हो जा रहा था। तो मैंने क्या करा, इसको सेटिंग में जाके जो सर्विस मेनू कोड है उनके अंदर जाके मैंने इसका जो रिसेट फैक्ट्री में उसको मैंने रिस्टार्ट कर दिया, और उसके बाद ये जो टीवी है ठीक हो गया। मेरे पास कल से है और मैं इसको चला रहा था। तो मैं इसका मॉडल नंबर एक बार दिखाना चाहूँगा, मैं तो आपको दिखा देता हूँ मॉडल नंबर। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि इसका जो मॉडल नंबर है आप देख सकते हो LE09C430B। तो ये जो मॉडल आया है गाइस, पहली बार आया है मॉडल नंबर। तो क्या था, मेरे पास इसका बिन फाइल नहीं था, मैंने चेक किया अभी सिस्टम पे तो इसका बिन फाइल नहीं था। तो मैंने क्या करा, इसका बिन फाइल मैंने कॉपी करके मेरे सिस्टम पे रख दिया हूँ। तो आप लोग भी इस तरह की गलती मत करना कि कोई भी टीवी आया और आपके पास बिन फाइल नहीं है तो उसको मत रखना, मतलब गाइस उसको कॉपी करके अपने पास रख देना, यही मैं आपको लोगों को कहना चाहूँगा। तो इनका जो मॉडल नंबर के हिसाब से मैंने इसका बिन फाइल कॉपी करके मेरे सिस्टम पे रख दिया हूँ, ताकि अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत हो किसी मॉडल का या इस तरह के मॉडल कोई भी आए मेरे पास तो मैं आसानी से इसको रिपेयर कर सकूँ इसलिए। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस, जो हायर का टीवी है इसको, इसका जो मेनू कोड है 3-4 कैटेगरीज का मेनू कोड है, तो इसमें कौन सा काम करेगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो मेनू कोड आता है इसका, तो डिस्प्ले और उसके बाद पी मोड को दबाना पड़ेगा। तो गाइस हम रिमोट पे देख लेते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले है, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे देख सकते हो पी मोड। तो चलिए इसको दबा के देखते हैं पिक्चर मोड, तो देख सकते हो इसमें नहीं आया है। तो अब क्या करेंगे हम, जो दूसरा प्रोसेस है इसका वो हम देखेंगे। सो गाइस, इसका जो दूसरा मेथड है तो वो है क्या, मेनू दबाने के बाद 8893 आपको टाइप करना पड़ेगा। तो चलिए मेनू कहाँ पे है, तो देख सकते हो यहाँ पे मिट चुका है मेनू, तो मैं इसके मेनू दबा दे, ये ओरिजिनल है। तो इसके लिए आपको इसका जो बिन फाइल आपको इंटरनेट में आसानी से मिल जाएगा, इसका जो हायर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके जाने के बाद आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे इस हायर का बिन फाइल। तो आपको नहीं अगर जानते हो बिन फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं ओरिजिनल टीवी का, तो मैं उसका वीडियो पहले ही से बना के रखा हूँ, तो जाके आप देख लीजिएगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारे सामने जो कोड है वो सर्विस मेनू वो ओपन हो गया है, तो हम कर देंगे। सो गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया कि यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट का जो ऑप्शन है यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ओके बटन है यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद आप हमारा जो टीवी है वो बिल्कुल ओके हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम था सॉफ्टवेयर की रिलेटेड वो सारे कुछ हमारा जो रिपेयर और सॉल्व हो जाएंगे, और जो साउंड का प्रॉब्लम हो रहा था वो मैंने टेस्ट करके देख लिया हूँ, वो बिल्कुल ओके हो चुका है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो सेटिंग है, तो चलिए फिर एक बार हम लोग सेटिंग में जाके देख लेते हैं कि वाकई में ये स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसको मैंने पहले भी एक बार स्टार्ट करके देख लिया हूँ, तो इसके लिए अगर सेटिंग में आपको कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर भी मैं अब एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि मेनू 8893 ये देख सकते हो जो सोर्स है वो टीवी में रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे वीडियो कर देता हूँ, देख सकते हो वीडियो हो गया, पिक्चर मोड भी सही है, कलर टेम्परेचर नॉन लीनियर VIF, इसको आपको छेड़खानी नहीं करना है, और उसके बाद नीचे LVDS का देख सकते हो 250, बर्न मोड ऑफ है, व्हाइट पैटर्न भी हॉट ऑफ है। तो ये था गाइस छोटा सा आज की वीडियो, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और आपको
किसी भी टीवी का अगर सर्विस मेनू कोड चाहिए तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम और फेसबुक का, वहाँ पे जाके आप लिख सकते हो कि आपको किस तरह से कौन से मॉडल का और कौन से रिमोट का आपको सर्विस मेनू कोड चाहिए। सो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।